तुम्हारी भांजी ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। भला शरीफ घरानों के ये लक्षण होते हैं क्या? मैं पूछती हूँ, झगड़े किस घर में नहीं होते? ओहो दीदी, सब बात मालूम होने के बावजूद आप गायत्री को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? तो कहना क्या चाहता है मुन्ना, सारी गलती विक्रम की है, गायत्री की कोई गलती नहीं। भाई साहब, संतो बहुत ठीक कह रही है, एडजस्टमेंट आखिर लड़की को ही तो करना पड़ता है। मैं इन बातों को नहीं मानता। नतीजा देख लिया ना, ये सब तुम्हारी शहर की वजह से हुआ है मुन्ना। बुआ जी, अगर मेरा बस चलता ना तो एक हाथ चलाती और कान पकड़कर उसे यहाँ ले आती, लेकिन क्या करूं, मजबूर। गायत्री मेरी बांझी चोट है, अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो लोग यही कहेंगे कि मामी ने बांझी के साथ एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। तुम सही कहती हो। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? कामिनी, और ये मेरी बेटी मलिका। सुंदर है, सूरत से ही सीरत का अंदाजा हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय नारी का रूप है। जाओ बेटी, संत बुआ के पांव छुओ और आशीर्वाद लो। जीती रहो, जीती रहो। सिर्फ नाम की नहीं, तुम दाम की भी मल्लिका बनोगी। जीती रहो, जीती रहो। बैठो 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 बैठो। देखिए, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं गायत्री को मिल सकता हूँ? शायद वो मेरा काम मान जाए। जैसा आप चाहें, लेकिन संतो बुआ, क्या ये ठीक रहेगा कि भाई साहब खुद जाकर गायत्री से बात करें? कम्मो सही कहती है मुन्ना, वैसे ही तूने उसे सिर पे चढ़ा रखा है, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मामी, गुड मॉर्निंग। हाय विक्रम। मलिका। हाय। हाय। कब आए आप लोग? अब तो जाने का वक्त हो रहा है। विक्रम बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो? क्यों? आज मैं गाड़ी नहीं लेकर आई हूँ, प्लीज लिफ्ट दे दो। श्योर है ना, आइए। बाय साहब, नमस्ते। बुआ जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे सलाह लेना चाहती हूँ, दोबारा आऊंगी मिलने के लिए। जरूर आना। आज्ञा दीजिए। जीती रहो कम्मो, जीती रहो, आना जरूर। जी ऑफ कोर्स बेटा। अरे गायत्री बेटा, तुम यहाँ खड़ी हो, आओ मेरे पास आकर बैठो। आओ मेरे पास आकर बैठो। तुम जानती हो मैं आज तुम्हारे ससुराल गई थी। आप वहां क्यों गई थी? क्या बताओ बेटी, मुझसे तुम्हारा दुख सहा नहीं गया। मैं संतो बुआ के सामने जाकर बहुत मिन्नतें मांगी, लेकिन क्या बताओ, बहुत जिद्दी औरत है, अपने बात से बिल्कुल नहीं ली, सिर्फ एक ही बात की रट लगाई रखी थी, जब तक बहू कुलदीपक नहीं देगी इस घर में वापस नहीं आ सकती। क्या बताऊं, ये सब मेरी गलती है। काश मेरे हाथ से ये पाप नहीं होता, काश मैंने तुम्हारी शादी विक्रम से नहीं। मामी, बाबूजी कैसे हैं? उनकी तो बात ही मत कर, फोन पे इतने परेशान थे और सामने, तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा गायत्री ने ऐसा बर्ताव किया है कि आज से मैं उसे इस घर की बहू नहीं मानता। मैं जानती हूँ बेटी, ये सब कुछ सुनकर तुम्हें बहुत शौक सा लगा होगा, लेकिन आप झूठ बोल रही हैं मामी। क्या मैं झूठ बोल रही? आपने वहां जाकर संतो बुआ की हाँ में हाँ मिलाई, ये झूठ है। आपने कहा भाई साहब संतो बुआ ठीक कह रही है, एडजस्टमेंट तो हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है। ये सब तुम कैसे जानती हो? आपने ये भी कहा मामी कि आपका बस चलता तो एक हाथ चलाती और गायत्री को कान पकड़कर यहाँ ले आती, लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि गायत्री आपकी भांजी है। अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग कहेंगे कि मामी ने सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तुम ये सब कैसे जान सकती हो? तुम वहां नहीं थी। मैं वहां नहीं थी तो क्या हुआ मामी? आप एक बात हमेशा याद रखना, मैं चाहे जहां भी रहूं बाबूजी के घर पर आंच नहीं आने दूंगी, और अगर ये बात याद ना रहे
तो गांठ बांध लेना मामी, याद रहेगी। मेरी भी एक बात सुनती जा वैष्णवी। क्यों बोलती बंद हो गई वैष्णवी? अब तुम मेरी एक बात याद रखना वैष्णवी, कि तुम शर्मा खानदान को कुलदीपक नहीं दे सकती, क्योंकि तुम वैष्णवी हो, गायत्री की जुड़वा बहन, गायत्री नहीं। शर्मा खानदान की बहू बनेगी मेरी बेटी मलिका, वो देगी शर्मा खानदान को कुलदीपक और वो बनेगी विक्रम के बच्चे की मां। और अगर तुमने मेरे प्लान में टांग अड़ाई तो मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत जाहिर कर दूंगी, ये बात तुम याद रखना, ना रहे तो काट पा लेना। कितना बढ़िया मौसम है रेती, तुम कमरे में बैठी बैठी उब रही होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, जैसे हम लोग पहले घूमने जाते थे। रेवती, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि वो दिन कब आएगा जब हम पहले की तरह दोनों पैदल घूमने जाएंगे। वो दिन बहुत जल्द आएगा रेवती, बहुत जल्द आएगा। मैंने मन्नत मांगी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, हर शुक्रवार को मैं तुम्हें देवी माँ के मंदिर में दर्शन कराने ले जाऊंगा। लेकिन सोचता हूं हमारे घर की बहू साक्षात देवी माँ घर छोड़कर चली गई है, क्या क्या देवी माँ हमें आशीर्वाद देंगी? सोचा था इस घर में बहू के पहले नवरात्र हैं, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास करो रेवती, नवरात्रों से पहले मैं बहू को घर में वापस ले आऊंगा, कैसे भी बहू को घर में वापस लेकर आऊंगा। हाँ मामी, कहिए कैसे याद किया आपने? विक्रम बेटा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मामी मैं घर पे हूँ, बात किया, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊँ तुम्हें, मलिका ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। क्यों, क्या किया उसने? सहेलियों के साथ पिकनिक चली गई थी, वहाँ पर उन लोगों का झगड़ा हो गया और बस मैडम गुस्से में अकेली निकल पड़ी। हाँ क्यों नहीं, आखिर बेटी किसकी है? ये मजाक की बात नहीं है विक्रम, इस बात को 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक मलिका घर पर नहीं आई है। एक तो जंगल का रास्ता और अब अंधेरा भी होने आया है और उसका सेल भी आउट ऑफ रेंज है। I'm so worried, विक्रम। ठीक है मामी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। कहाँ गई है वो? नेशनल पार्क और कैनरी केव्स के बीच में कोई स्पॉट है। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं मलिका को लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता था विक्रम। अब जल्दी चलो, हमें वहाँ पर विक्रम के पहुँचने से पहले पहुँचना है, ओके? दीदी, अब क्या करेंगे? मैंने वचन दिया है, कैलाश नाथ शर्मा के घर में गायत्री की जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। इन दोनों को रोकना होगा भोला, आओ मेरे साथ। What are you planning to do?
क्या रही हो? मलिका मलिका जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ ना। आ रही हूँ। यहाँ पर जल्दी आओ। देख वो आ रहा है और मैं वहां पे छिप रही हूँ। ओके गो। खबर मिली थी कि आपको गुस्सा हुआ था। आपको कैसे पता चला? एनीवेज आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट। आपकी गाड़ी के मूड्स बिल्कुल आपकी तरह हैं। ये नहीं चलेगी। लेकिन मैं चलने के लिए तैयार हूं। और आपकी कार? कमाल करते हैं आप। जब एक खूबसूरत लड़की आपके साथ जाने को तैयार है तो आपको कार की पड़ी है? चलिए किससे मिलना है आपको? Just cut it out, सत्यन, cut it out, okay? इन काबरी ये क्या हाल बना रखा है? कोई नया ब्यूटी पार्लर ट्राई किया क्या? जब भी देखो तुम्हें तो सिर्फ मजाक सूझता है। कमाल है, जब देखो तुम दोनों माँ बेटी ब्यूटी पार्लर जाती रहती हो और अब कह रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो किसने कहा मैं ब्यूटी पार्लर चली गई थी? मल्लिका ने। क्या? हाँ। मल्लिका ने कहा? मिली तुम्हें मल्लिका? मल्लिका यही घर पे ऊपर है। घर पर? मल्लिका घर पर क्या कर रही है? अरे तुम तो इस तरह चौंक रही हो जैसे मल्लिका नहीं पड़ोस की बेटी यहाँ पर है। मलिका, हाँ मॉम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या करती मैं? विक्रम को किसी ने फोन करके मीटिंग में बुला लिया और वो मुझे घर ड्रॉप करके चला गया। किसका फोन था? पता नहीं, लेकिन हाँ बातचीत से लगा किसी लड़की का फोन था। आग लगे उस फोन करने वाली को। Why the hell didn't you stop him? Chill मॉम, मैंने पूरी कोशिश की।
सारी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। जो मेहनत दूसरों के घर में आग लगाने के लिए की जाए उस पर तो पानी फिरेगा। कहीं ये फोन तुमने तो नहीं किया? अपनी ही इतनी छोटी सी जीत से ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। खेल तो अब शुरू हुआ है। आपकी अमानत खो गई थी। मैं चलती हूँ। रुक जाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहां गई थी और तुम वहां पर कब पहुंचे और तुम्हें ये कार पार्ट कब और कैसे मिला? बस मैंने तो सोचा था मामी इसे देखकर आप मेरे बारे में बहुत से जरूरी सवाल पूछेंगे, लेकिन आप तो इस छोटे से कार के हिस्से को लेकर ही बैठे। किन सवालों की बात कर रही हो तुम? यही कि अगर मैं वैष्णवी हूँ तो इतने सालों तक मैं कहाँ थी? अगर मैं वैष्णवी हूँ तो बचपन से लेकर आज तक मेरी परवरिश किसने की? अगर मैं वैष्णवी हूँ तो इतने सालों बाद मैं यहाँ क्यों आई? अगर मैं वैष्णवी हूँ तो मुझे गायत्री के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? जिससे मैं सालों से मिली नहीं उसकी इतनी छोटी छोटी बातें भी मैं कैसे जानती हूँ? यही सोच रही है ना आप मामी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वैष्णवी नहीं गायत्री हूँ? यही सोच रही है ना? मॉम, शी इज राइट। शट अप मलिका। तुम मुझे तुम्हारी बातों से बहका नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम गायत्री नहीं वैष्णवी हो। हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम इतने साल कहां थी। तुम नहीं भी बताओगी तो भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही रहूंगी। वैष्णवी बस कर, स्टॉप इट, बात हो चुका। अरे इस तरह के सवाल पूछने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार सोच तो लिया होता कि किसके बारे में क्या सवाल कर रही हो। इसमें इतनी गुस्सा होने वाली कौन सी बात है सत्यन? वैष्णवी आखिर मेरी भांजी है, बस उसके बारे में से पूछ रही थी, उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? क्योंकि वैष्णवी को मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। मैंने अपने हाथों से अपनी बहन बहनोई और वैष्णवी का अंतिम संस्कार किया है। चलो गायत्री। चलती हूँ मामी। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूं। ये अगर वैष्णवी नहीं है तो ये सिर्फ गायत्री हो सकती है, लेकिन ये कैसा मुमकिन है?